प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थियों को हरिद्वार बुलाए जाने से नाराज युवक कांग्रेस ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने बताया कि लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता पद पर भर्ती की गई थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए हरिद्वार बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रमाण पत्रों की जांच ऑनलाइन की जानी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को महामारी से बचाया जा सके। ये लोक सेवा आयोग द्वारा जो 501 पोस्ट प्रवक्ता पद के लिए निकाली गई थी उसके में ही प्रथम जो पेपर जो हुआ था उनका स्क्रीनिंग का, उसमें जो लोग जो भी विद्यार्थी वहाँ सफल हुए हैं उन सभी को 15 के गुणांक से 571 से तो लगभग 8000 के आसपास नए विद्यार्थियों जो सफल हुए हैं उनको हरिद्वार बुलाया गया है उनके डॉक्यूमेंट के सत्यापन करने के लिए। ये कहीं ना कहीं अभी कोरोना काल पे न्याय संगत नहीं है और वैसे भी 571 पोस्ट में जब वो द्वितीय जो मेन पेपर है उसमें सफल होंगे तभी मेरे ख्याल से उनको इस जो ये इनके सर्टिफिकेट सत्यापन वाला कार्य है वो शायद मेरे ख्याल से सरकार और लोक सेवा आयोग को उस समय करना चाहिए क्योंकि इतने लोगों के पूरे प्रदेश में आवाजमन से कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण दोबारा से फैल सकता है प्रदेश भर में, तो सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करके इस फैसले को रोकना चाहिए। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।